हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसी अडाप्टर। आप लोग देख सकते हैं एसी अडाप्टर है, एसी 220 वोल्ट और डीसी 12 वोल्ट। तो आज हम इसी को इंक्रेज करने वाले हैं और ज़्यादा वोल्टेज में 20 वोल्ट के लगभग हम इसको इंक्रेज करेंगे। तो हमें इसको किस तरह से इंक्रेज करना है, ये देखिए हमने इसको ओपन भी कर रखा है, तो हम वही आपको बताएंगे आज इसको कैसे वोल्टेज बढ़ाना है। इसमें बहुत ही आसान है बढ़ाना। तो ये देखिए, ये हमारा हमने खोल रखा है पहले से ही, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा, ये हमारा ट्रांसफार्मर है एक, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 25 वोल्ट और 2200 यूएफ का एक कैपेसिटर लगा है। और इसमें हमारे चार डायोड लगे हैं देखिए। तो आज हम इसी को इंक्रेज करेंगे, 12 वोल्ट की जगह पे हम 18 वोल्ट 20 वोल्ट इसी को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसी नई नई वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं जो कि आप लोग के बहुत काम आने वाला है। तो और तो कुछ इसमें है नहीं फिलहाल, बस यही इतना है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एसी वायर हमारा कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। और बाकी जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का, वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ये देखिए, एक वायर ये है, ये देख सकते हैं, एक वायर हमारा ये कनेक्ट हुआ है और दूसरा हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है आउटपुट ट्रांसफार्मर से जो आया है, जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट दे रहा है, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। उसके बाद ये हमारा चार डायोड है, आपको पहले ही बता दिया, कैपेसिटर है और तो कुछ है नहीं। तो चलिए हम इसको इंक्रेज कैसे वोल्टेज इसमें बढ़ाने हैं, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये जो डायोड आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये वाले, इसको हमें निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इस चीज़ को पहले ही। तो ये देखिए, हमने डायोड को निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं डायोड हमारा IN53 का है। तो हम इसी को डायोड की जगह पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, दूसरा वाला। तो जो कि हमारा कैपेसिटर ये है, ये आप लोग देख सकते हैं 2.2 UF है और 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो ये हमारा माइनस साइड है और ये प्लस साइड है। तो हमें इसी को इंक्रेज करने के लिए हमें इसको इस जगह पे कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस को प्लस की और माइनस को माइनस की तरफ। ये देखिए, हमने इसको कनेक्ट कर लिया। बाकी हमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था कि एक डायोड की जगह पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है 2.2 UF और 400 वोल्ट का। तो चलिए हम इसको अब चेक करते हैं हमारा वोल्टेज बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये हमने इसको इस जगह पे लगा लिया ताकि शॉर्ट ना होए, और हमने इसको इस यहाँ पे कर दिया। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं क्या कैसा है। इसको हमने सप्लाई दिया और ये हमने देखिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर रखा है। चलिए इसको चेक करते हैं कितना इंक्रीज हुआ। वाह, 21 वोल्ट है, देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना इंक्रेज हो गया, 21 वोल्ट यानी 9 वोल्ट इंक्रेज हुआ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। दोबारा एक बार फिर से दिखा दूं, ये देखिए। तो इसको निकाल लेते हैं,
तो अगर हमें इसमें दोबारा से वोल्टेज कम करना होगा तो हम इसकी जगह पे हम फिर से डायोड लगा देंगे तो हमारा वो फिर से 12 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें 20 वोल्ट ही चाहिए था तो हम इसको इसी पे रहन देंगे, हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम और नई नई वीडियो बनाते रहें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।